हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में हमें गिवन है, अगर इतने रुपीस को हम 2 वर्षों के लिए इतनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो रेट हमारा गिवन है 7.12%। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15.2%। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 340। जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी प्रिंसिपल की, और ऊपर वाली वैल्यू होती है हमारे इंटरेस्ट की। इस क्वेश्चन को हम रेशो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रेशो मेथड में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लिखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 40। अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 43। जितना हमें टाइम गिवन होता है उसके हिसाब से हम रेशो लगाते हैं। यहाँ पे हमें 2 वर्ष दे गए हैं इसीलिए हम 2 बार हम रेशो लगाएंगे। तो यहाँ पे एक और बार लगाएंगे 40, 43। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1849। अब हमें जो है प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी गिवन है, 6400। तो 6400 की जो है वो किसकी वैल्यू है, 1600 की। अगर अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ से आ जाएगी वैल्यू निकल के 249। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 996। इतना उसको ब्याज पे करना होगा।